आज मैं आपसे जिस ग्रह की बात करने जा रही हूँ, उस ग्रह का नाम बताने से पहले थोड़ी सी उसकी खासियत बताती हूँ। देखिए, जैसे हमने एक छोटे बच्चे को एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जहाँ पर सामान पड़ा हुआ है और वो बच्चा उस सामान को तहस नहस कर देता है, यानी अगर आप उस बच्चे पे कंट्रोल नहीं करते तो वो अनकंट्रोल होकर घर के सारे सामान को बिगाड़ देता है। ऐसे ही इस ग्रह की खासियत है, आज मैं बात कर रही हूँ राहु के बारे में। राहु जो होता है वो अनकंट्रोल जब हो जाए वो किसी के काबू नहीं आता, पर जिसके काबू आता है वो मैं अभी आपको अभी उपाय बताऊंगी। पर राहु की एक खासियत है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, यानी अगर राहु बिगाड़ने पे आ जाए तो बिगाड़ के ऐसा रहता है कि संवारना मुश्किल हो जाता है, और अगर संवारने पे आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका कोई बिगाड़ सकता है। अब जिनके भी बच्चे अनकंट्रोल रहते हैं, जिन लेडीज़ की भी प्रेगनेंसी बार बार ख़राब हो जाती है यानी एबॉर्शन हो जाते हैं, आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु आपको किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम दे रहा है, आपको क्या उपाय करने हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पर उससे पहले मेरी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जो भी YouTube की नोटिफिकेशन है सबसे पहले वीडियोस की आपको मिले। Instagram के पेज को प्लीज़ फॉलो करिए और Facebook को भी अपना प्यार देना मत छोड़ना। अब हम बात कर रहे हैं राहु की, पर राहु के अलावा कोई भी ग्रह हो, देखो चंद्रमा हम सबकी माँ है और हर ग्रह जो है वो चंद्रमा के कंट्रोल में आता है, यानी माँ हर ग्रह को कंट्रोल कर सकती है। अब राहु जो है अगर वो बार बार एबॉर्शन करवा रहा है या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बिना बात पे बच्चों का दिमाग ख़राब रहता है, आपकी राहु की दशा चल रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, हर इंसान बहुत महंगे महंगे उपाय नहीं कर सकता, कभी कभी हमारी क्षमता नहीं होती कि हम पैसे खर्च सके, तो उस वक्त हमें कौन सा ऐसा सिंपल सा उपाय करना चाहिए जो कि राहु हमारे कंट्रोल में आराम से आ जाए। अब आपको पानी की एक बॉटल लेनी है, प्लास्टिक की बिस्लरी वाली, और वो बॉटल में पानी जो है वो आधा लेना है। बॉटल ली, बॉटल में आधा पानी डाला और बाकी बॉटल के अंदर आपने जौ को भर दिया। अब पानी हो गया चंद्रमा और जौ हो गए राहु। आपने चंद्रमा के द्वारा राहु को कंट्रोल कर लिया। अब इस बॉटल को आप बंद करके कहीं भी रख सकते हैं। थोड़े टाइम बाद अगर आपको लगे कि ये बॉटल का जो सामान है वो ख़राब हो रहा है, आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं और दोबारा ऐसी बॉटल को रिफिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपका राहु अनकंट्रोल हो रहा है, काबू नहीं आ रहा, वो आना शुरू हो जाएगा। अब राहु को आपने चंद्रमा से तो कंट्रोल कर लिया, पर अगर फिर भी आपको दिक्कत आए तो राहु के यानी कौन कान पकड़ के उसको बिल्कुल सीधा कर सकता है, वो होता है मंगल यानी महावत। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए, ये है हाथी। हाथी हो गया राहु और ये चांदी हो गई चंद्रमा, और हाथी के पैरों में देखिए राइट पैर आगे वाला और पीछे वाला दोनों में बांधी है लाल रंग की मौली, प्योर रेड कलर की मौली है ये, इसमें पीला रंग नहीं है। अब लाल रंग हो गया मंगल का, यानी मंगल ने राहु को कंट्रोल कर लिया और हाथी है चांदी का। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहु को जो कंट्रोल करता है वो चंद्र और मंगल कंट्रोल करते हैं,
महावत हमने उसको बिठा दिया है, यानी हाथी के ऊपर ना बिठा के लाल रंग की मौली हाथी के पैरों में बांध दी है कि महावत मंगल उसको कंट्रोल कर रहा है। अब आप देखिए, अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी लाइफ में राहु प्रॉब्लम दे रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, बिना बात के मुसीबतें आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा आप काम तो सही दिशा में करने जाते हैं वो उल्ट क्यों जाता है, क्योंकि राहु होता है दिमाग, राहु आपका दिमाग ही भ्रमित कर देता है, खराब कर देता है। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय उसको और परेशानी में आपको डाल देता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय करके देखिए और अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय श्री राधे, जय गुरु जी।